नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यह वनस्पति आपने जरूर देखी होगी, पर इस मत्स्य गंधा के औषधीय फायदे के बारे में कोई नहीं जानता। आयुर्वेद के अनुसार इसको कई रोगों में प्रयोग किया जाता है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जानकारी महत्वपूर्ण है। और यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। यह मत्स्य गंधा का पौधा बहुवर्षा युक्त होता है। गर्मियों में यह सूख जाता है और वर्षा काल में पुनः उत्पन्न होने लगता है। यह सड़कों के किनारे खाली पड़ी जमीन पर और घास के साथ उगने लगता है और बहुत अधिक मात्रा में आप इसको देख भी सकते हैं। यह जमीन पर फैला हुआ होता है। इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं तथा इस पर इस तरह के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके पत्ते कुछ गोल होते हैं और कुछ पत्ते लंबे होते हैं। इसके फूलों को सूंघने पर मछली जैसी गंध आती है, इसलिए इसका एक नाम मत्स्य गंधा भी पड़ा। इसके और भी काफी सारे नाम हैं, जैसे कि इसको संस्कृत में मत्याक्षी, मीनाक्षी, हिंदी में गुडरी साख, मछेचो, कंचरी, उड़िया में मदर नंगा, कोकर्णी में कोयप्पा, गुजराती में पानी भाजू, मराठी में कंचरी, बंगाली में सांची आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। इसका वनस्पतिक नाम है अल्टरनेंथ्रा फेलिसिस। आप इसको क्या नाम से जानते हैं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आयुर्वेदिक मत अनुसार मत्स्य गंधा कफ पित्त शामक, वात कारक, ग्राही, रुचि कारक, मधुर, कटु, शीत, कषाय तथा तीक्ष्ण होती है। यह वाण क्षय, रक्तज विकार तथा कुष्ठ का नाश करती है। इसका अर्क शीतल, कुष्ठ, रक्त विकार तथा कफ पित्त शामक होता है। इसका पंचांग अतिसार, कुष्ठ, त्वचा रोग, रतौंधी, बावासीर, यकृत के रोग, बुखार, घाव और मधुमेह को दूर करता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग जो अत्यंत ही लाभकारी हैं, जिनका प्रयोग करके आप विभिन्न रोगों को दूर भी कर सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। अतिसार रोग को दूर करने के लिए मत्स्य गंधा का प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ही अच्छे लाभ देता है। इसके पत्तों को पीसकर दही के साथ खाने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं और दस्तों की समस्या ठीक हो जाती है। इसका दूसरा प्रयोग है शुक्रमेह, जिसे धातु रोग भी कहते हैं। इसके लिए मत्स्य गंधा और सप्तपर्णी का रस निकालकर 10 ml की मात्रा लेकर दूध में मिलाकर पीने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। और यदि सप्तपर्णी नहीं मिलती है तो आप सिर्फ मत्स्य गंधा के 5 ml रस को दूध में मिलाकर पीते हैं तो उससे भी शुक्र संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं एवं शुक्रमेह ठीक होता है। चेहरे पर होने वाले कील मुहासों को दूर करने के लिए इसके पत्तों को पीसकर लगाया जाता है, जो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। रात खाज खुजली पर इसके पत्तों को पीसकर लगाने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। सांप, बिच्छू आदि के काट लेने पर इसके पत्तों को पीसकर डंस वाले स्थान पर लगा देने से जहर का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। मत्स्य गंधा का प्रयोग आप शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम रसायन और बाजीकरण का काम करता है। इसके लिए आप इसके संपूर्ण पौधे को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें और उसमें बराबर मात्रा में मिश्री और ब्रह्मी का चूर्ण मिलाकर रख लें। 1 से 2 ग्राम मात्रा में रोज सुबह शाम दूध के साथ सेवन करते रहने से शरीर में दिव्य शक्ति आती है, शारीरिक कमजोरी दूर होती है एवं दिमाग बहुत तेज हो जाता है। यह बुद्धि, आयु तथा बल को बढ़ाता है तथा रसायन गुणों के कारण यह आपकी शक्ति को क्षीण नहीं होने देता। बहुत ही उत्तम रसायन है, आप इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मन में किसी प्रकार का सवाल है या फिर आप इस वनस्पति के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।